गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे मैंने आपको वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद एक टॉपिक, एक विषय समझाया था, उसी बेस पे मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजी और आज मैं उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कैसे आपने वाक्य के भेदों में परिवर्तन करना है, मतलब एक भेद से दूसरे भेद में लाना है, या फिर उनको पहचानना कैसे है। तो आप सब लोग अपने आंसर्स देखते जाइए। अब देखो बेटा, इन विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलना, वो आप कैसे बदलेंगे। निषेधवाचक वाक्य मैंने आपको बताए थे जिसमें नहीं होता है। चोरों ने चोरी कर लिया, चोरों ने चोरी नहीं किया, मजदूरों ने काम पूरा किया, और उसका उत्तर क्या होगा, मजदूरों ने काम पूरा नहीं किया। माली ने फूल नहीं तोड़े। रश्मि संस्कृत बोल सकती है, रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती है। किसान बैंक से कर्ज लेते हैं, किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते। अब देखो इनमें पांचों वाक्यों में, ये विधानवाचक वाक्य थे, सिंपल सेंटेंस, इनको आपने कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब निषेधवाचक वाक्यों में बदला है, वो आप सब देखते जाए। हमारा अगला क्वेश्चन था विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक में, मतलब कैसे आपको प्रश्नवाचक वाक्यों में उन सिंपल सेंटेंसेस को बदलना है। अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो आपने इसको जब प्रश्नवाचक में बदलना है तो पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा? कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली? इसका आंसर ऊपर निकल आया कि कर्ज में डूबा हुआ था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। क्वेश्चन पूछा, चलते चलते वह कहां बैठ गया? सैनिकों ने चार आतंकवादियों को मार गिराया, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, गिनती आ गई तो कितने सैनिकों ने कितने आतंकवादियों को मार गिराया, तो आंसर क्या निकला, चार। विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है, क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है? तो ये आपने देखे विधानवाचक को प्रश्नवाचक में हमने परिवर्तित कर दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, जब आपने इसको संदेहवाचक में बदला तो इसका आंसर क्या लिखा गया, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। आपको ऐसा कुछ डाउट हो रहा है कि आ चुकी है। अंडे से बच्चे निकल आएंगे, अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। मंदिर में आरती हो रही है, तो मंदिर में आरती हो रही होगी। आतंकी मारे जा चुके हैं, संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे। मरीज ठीक हो रहा है, संभवतः मरीज ठीक हो रहा है। ये होता नहीं है बेटे, है लिखना, ठीक है। आपने अब देखा किस तरह हमने विधानवाचक को संदेहवाचक वाक्यों में परिवर्तित कर। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखो। इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं करना, कुछ बदलना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने वाक्य के भेद, जो मैंने आपको आठ भेद समझाए हैं, उसमें से आपको देखकर लिखना है कि आपको ये कौन सा भेद लगता है। वर्षा होने के कारण नालियां भर गई, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कुछ पूछा नहीं जा रहा, कोई डाउट नहीं है, तो ये हो गया विधानवाचक। आज ममता विद्यालय नहीं आई है, नहीं शब्द को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये निषेधवाचक वाक्य। क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह क्वेश्चन तीसरे नंबर का जो इसका आंसर हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। आपने ये यदि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ये संकेतवाचक वाक्य। अरे यह गीत तुमने लिखा है, इसमें आपको अरे शब्द आ गया और विस्मयादि बोधक विस्मयवाचक चिन्ह आ गया,
तो यह विस्मयादिवाचक वाक्य हुआ। संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए। संभवतः, संदेह, तो ये कौन सा हो गया? संदेहवाचक वाक्य। काश महंगाई कम हो जाती, मतलब आपकी इच्छा है तो ऐसा हो जाए, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना, आपने किसी को ऑर्डर दिया है कि आपकी आज्ञा का पालन हो, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था, ये फिर आपका सिंपल सेंटेंस आ गया विधानवाचक वाक्य। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, यहाँ मना करा जा रहा है, तो निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने आपको हिंदी के वाक्य भेद कराए हैं और मुझे लगता है कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप लोग अपनी असाइनमेंट, सब बच्चे जो कॉपी में काम दिया जा रहा है उसको साथ साथ पूरा करते जाइए। अगर वाक्य भेद में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना बेटा।